आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ये बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, लगभग 7 से 8 नंबर है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8 मार्क्स लगभग आता। आजकल क्वेश्चन की संख्या अधिक होती है, जिससे 8 से ज़्यादा नंबर का भी फायदा मिल सकता है, जिसमें 8 से 8 नंबर कम से कम पूछेगा। तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन संख्या ज़्यादा हो तो 12 नंबर 13 नंबर तक इससे फायदा उठाया जा सकता है। इसको हिंदी में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी ये कुछ नहीं, वैद्युत का मतलब विद्युत आवेश, यानी विद्युत आवेश से ही है। स्थिर मतलब स्थिर अवस्था में जब रहता हो। देखिए, अंग्रेजी का जो अक्षर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। इसको इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से है। ये स्टैटिक्स को हम लोग एट रेस्ट यानी विराम अवस्था कहते हैं। एट रेस्ट यानी विराम अवस्था। चार्ज यानी आवेश जब स्थिर अवस्था या विराम अवस्था में रहता है, तो इसके प्रकृति तथा गुणों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में इसको देखें तो जब चार्ज एट रेस्ट में रहता हो, तो चार्ज के प्रॉपर्टीज और नेचर के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। मतलब चार्ज कहाँ हो? रेस्ट में हो, तो इसी ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आवेश जब स्थिर अवस्था या विराम अवस्था में हो, तो उसके प्रकृति तथा गुणों के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया है चार्ज। तो पूछेगा ये चार्ज होता क्या है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ये सब होता है। तो ये चार्ज भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज है क्या? तो चार्ज के बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे, देखिए ये चार्ज, ठीक, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। अब ये आवेश क्या? तो चार्ज कुछ नहीं, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जैसा है, मतलब मूल भौतिक राशि के जैसा है, जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। यानी इट इज ए समथिंग लाइक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच डेवलप्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कहीं भी होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो जाने की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है। अब देखो, चार्ज को हम तो या तो प्रायः कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, मतलब क्यू से डिनोट करते हैं इस चार्ज को, तो कभी कैपिटल क्यू से तो कभी स्मॉल क्यू से। चार्ज का अगर SI यूनिट की बात आए, चार्ज का SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट यानी SI मात्रा कूलम्ब होता है। अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, कूलम्ब ही लिखेंगे। CGS यूनिट की अगर बात करेंगे, तो CGS यूनिट इसका बहुत सारा नाम है, जिसको हम लोग ESU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी ESU शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम लिखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। इसी को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ये CGS यूनिट, ये SI यूनिट है कूलम्ब। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह अगर पूछेगा,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको सीजीएस में लिखेंगे ये लगभग -4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, -10 कूलम, ये 10 स्टेट कूलम होगा यानी ESU। इसको जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या संबंध है। तो देखिए इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये 4.8 × 10⁻¹⁹ इक्वल टू ये 1.6 × 10⁻¹⁹ हुआ। ये इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁹ ESU हो जाएगा। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर कोई पूछेगा 1 कूलम्ब इक्वल टू हाउ मच ESU, तो 3 × 10⁻¹⁹ ESU। इसी को अगर पलट के भी हम लोग लिखेंगे तो 1 ESU इक्वल टू, तो इसको उलट देंगे तो 1/3 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। कई बार उल्टा करके हो जाता है 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये था आवेश का परिचय। आवेश क्या? तो कुछ नहीं, आवेश का जब डिफिनेशन लिखना हो तो लिख देंगे ये एक मूल भौतिक राशि के जैसा है जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता। ये सिंपल आवेश का परिचय था। अब आवेश के बारे में हम लोग और पढ़ते हैं। जैसे हम बताए थे कि ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आवेश जब स्थिर अवस्था में रहता है तो उसी के प्रकृति तथा गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब आवेश की प्रकृति हम लोग आते हैं कि आवेश की प्रकृति क्या है। तो आवेश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले हम नेचर ऑफ चार्ज में देखेंगे। पहला ही प्रॉपर्टीज है लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी एक दूसरे को धक्का मुक्की करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलने का काम करेगा अगर इन दोनों के बीच की कुछ दूरी हो। दोनों समान आवेश हो तो दो समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है यानी एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा। ये जब दो समान आवेश होगा, इसी में दो समान आवेश एक असमान आवेश आ जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दो असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। दो असमान आवेश रहेगा, असमान मतलब नेचर में असमान, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, दोनों एक दूसरे के करीब आने का कोशिश करेगा। दो समान आवेश रहेगा चाहे वो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, या दोनों निगेटिव चार्ज भी रहेगा ना, दोनों समान आवेश हो गया नेचर में, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा क्योंकि दो समान आवेश के बीच हमेशा विकर्षण बल लगता है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है, दो समान आवेश के बीच विकर्षण बल तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण बल। तो चलिए एक गुण खत्म हो गया। दूसरा गुण है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब कहेंगे ये क्वांटाइजेशन ऑफ, कई बार पूछता है, इसको हिंदी में लिखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। अब कहेगा ये क्वांटमीकरण क्या? ये आवेश का क्वांटमीकरण कुछ नहीं, ये सिंपल बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज डेवलप होता है, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये, या तो एक गुना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो गुना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, या तो 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। मतलब जब कभी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए वहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया तो निगेटिव चार्ज। कोई पूछेगा सर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से कैसे निगेटिव चार्ज आता, तो उसको हम आगे आके मतलब लिखाते हैं।
जैसे कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ गया तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यानी चार्ज का जो परिमाण है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी आवेश के मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होगा। तो जिसको लिखना हो लिख लेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, कुछ नहीं, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है जी, पूर्ण गुणज होता है। कोई कहेगा कैसे, तो देखिए या तो कहीं जैसे हम बोले क्या बोले थे कोई भी ऑब्जेक्ट पे या तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, या तो आ जाएगा या तो यहाँ से चला, जैसे मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन आ गया। होता क्या, किसी भी पदार्थ में शुरुआत में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, तो कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता, तो आवेश जीरो होता। लेकिन किसी कारणवश चार इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो चार इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पे जितना इलेक्ट्रॉन था पहले से तो था ही, बाद में चार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ता नहीं है, तो इस पे चार इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पे चार इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चार इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज। अच्छा देखो, जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आवेश उत्पन्न होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हुआ या दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, कभी ढाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या 3.25 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए ये कहता है कि ऑलवेज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कुछ लोग इसको प्लस माइनस एनी भी लिखते हैं, तो घबराने का जरूरत नहीं है। प्लस चार्ज, जैसे प्लस चार्ज तब आएगा जबकि डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डेफिशिएंट यानी कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम है तो वो धन आवेश होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा तो वहाँ धन आवेश होगा। अगर कहीं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कम होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा वहाँ निगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी आवेश का जो परिमाण है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गया हो वहाँ धन आवेश, जहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया हो वहाँ ऋण आवेश, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो ये था दूसरा प्रॉपर्टी, इस पर हम सवाल भी करवा देंगे। तो ये हुआ आवेश का क्वांटमीकरण। इसी में एक और प्रॉपर्टी जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए कंजर्वेशन तीसरा होगा, ये तीसरा प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई पूछेगा ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, ये एक ही लाइन में कहता है कि चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज का विनाश हो सकता है, केवल इसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही बात है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही तो चार्ज कहीं डेवलप हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से चार्ज अगर डेवलप हुआ था तो इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को बनाने की क्षमता हमारे में नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन केवल एक जगह से दूसरे जगह भेज दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया तो निगेटिव चार्ज। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, इट स्टेट्स डेट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। हिंदी में अगर लिखना हो
आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो चलो एक और चार्ज ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको हम हिंदी में लिखें तो आवेश का योग गुण नियम, आवेश का योग गुण। देखो आवेश का योग गुण क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये भी सिंपल है, अलजेब्रिक सम आप लोग समझते होंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश का योग गुण क्या, जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, इस वस्तु पर कोई एक आदमी आया Q1 चार्ज ला के रख दिया, कोई दूसरा वस्तु लाया, कोई दूसरा व्यक्ति आया इस पर Q2 चार्ज ला के रख दिया, तो अब टोटल चार्ज अगर इस बड्डी पे पूछे हैं तो टोटल चार्ज यानी कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश अभी कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2। कोई एक तीसरा आदमी आया इस पर Q3 चार्ज ला के रख दिया, तो अब कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो कुछ नहीं, सब चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, केवल जोड़ दे रहे हैं। कोई एक चौथा आदमी आया मान लीजिए इस पर निगेटिव चार्ज ला के रख दिया, तो आप देखिए क्या करेंगे, तो कुल चार्ज की जब बात आएगी तो Q1 जितना पॉजिटिव चार्ज था ऐड हुआ था, निगेटिव चार्ज है तो ये माइनस हो जाएगा। हम किए कुछ नहीं, बस बीज गणित या योग कर दिए। तो आवेश का योग गुण क्या है, तो किसी वस्तु पर आवेश जो है अलग अलग आवेश के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग का मतलब ये, अगर धन आवेश होगा तो धन चिन्ह के साथ लिखेंगे, अगर ऋण आवेश होगा तो ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक डायपोल होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतने निगेटिव चार्ज होता है, जैसे HCl का केस, H प्लस और Cl माइनस, जैसे H2SO4 तो H प्लस का 2 एटम होता है और SO4 का माइनस माइनस 2 चार्ज होता, तो यहाँ 2 प्लस चार्ज हो जाएगा और 2 माइनस चार्ज, तो मतलब देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है, तो कुल आवेश यहाँ शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि दो एक इलेक्ट्रॉन बराबर धन आवेश और एक इलेक्ट्रॉन बराबर ऋण आवेश, कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश बराबर हो गया, तो कुल आवेश इस वस्तु पर क्या हो गया, 0। यही बीज गणितीय योग के कारण होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का जो परिमाण है अलग अलग आवेश के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, अलग अलग आवेश के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। अब एक और प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी हम बता दें, जैसे द्रव्यमान क्या होता है कि द्रव्यमान को हम लोग लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी से भेज दें तो इसका मास घटने लगता है। शायद ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, m=m₀/1 - v²/c²। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, भी क्या, तो जिस वेग से हम लोग वस्तु को फेंकेंगे, तो देखो m नोट क्या, तो रेस्ट मास और ये m मास है। तो किसी भी वस्तु का अगर काफ़ी ज़्यादा v का वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो m का वैल्यू ऑटोमेटिक घटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा वेग से, प्रकाश के वेग के तुलनात्मक वेग से अगर किसी वस्तु को भेजें तो द्रव्यमान क्या होता, चेंज होने लगता। लेकिन आवेश में इस तरीके की बात नहीं है। तो चौथा, ये पाँचवा प्रॉपर्टी जो है ये एक ही लाइन में कहता है, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण गति के दौरान नहीं बदलता। मतलब इसको किसी भी वेग से फेंक दो या किसी भी वेग से ये गति कर रहा हो तो इसका परिमाण ऐसा नहीं है कि घटते चला जाएगा, जैसे यहाँ मास काफ़ी ज़्यादा वेग से फेंकते हैं तो घटते चला जाता है, तो ये गति के दौरान, मतलब आवेश का गति के दौरान परिमाण नहीं बदलता। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंजेज ड्यूरिंग द मोशन। तो चलो ये 5 प्रॉपर्टीज था जो हमने आपको बता दिया। इसी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कुछ रिलेटेड सवाल आता है, जिस सवाल के बारे में हम थोड़ा सा हिंट कर दें क्योंकि इससे रिलेटेड सारा सवाल आसानी से बन जाएगा। जैसे कई बार पूछ देगा कि क्या किसी वस्तु पर 1.6×10⁻²⁰ कूलम चार्ज संभव है, तो संभव है या नहीं है, इस तरीके का जितना भी सवाल पूछेगा तो हम लोग सीधा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आएंगे, तो वहाँ चेक करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण कहता क्या था। कहता था किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता, तो
तो चलो तो q इक्वल टू एन नहीं होता था तो n इक्वल टू टू बाई ई करेंगे, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग भली भांति जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड इतना होता। कोई कहेगा सर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ लफड़ा लेंगे नहीं, चूँकि हमको एन का वैल्यू निकालना है, केवल हम देखेंगे एन इंटीजर है या नहीं है, चूँकि आवेश के क्वांटमीकरण से वो स्पष्ट कहता है आवेश को ना तो हम ये आवेश जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ चेक करते हैं, देखो क्यू कितना दिया हुआ, 1.6 × 10⁻²⁰ कूलम, और ई कितना दिया हुआ, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻¹, तो 10⁻¹ का मतलब 1/10, इसको 0.1, तो क्या ये एन 0.1 कभी इंटीजर है? देखो इंटीजर अगर होता तो आता इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4 डॉट, ये इंटीजर है ही नहीं, जैसे 1/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो ये सब इंटीजर है ही नहीं, डेसिमल में जैसे ही आ गया तो इंटीजर नहीं, इंटीजर होता है 1, 2। अगर यही वैल्यू एन का वैल्यू अगर इंटीजर आ जाता, मतलब पूर्णांक आ जाता, तो पूर्णांक आता तो ये आवेश संभव था। ये बताता क्या है कि 0.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी वस्तु पर आवेश है, जो कि संभव ही नहीं है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता, कहीं चार इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता, लेकिन ये कभी डेसिमल में चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी जब कभी भी एन का वैल्यू पूर्णांक नहीं आए तो ये चार्ज संभव नहीं है। यदि एन का वैल्यू यही पूर्णांक आ गया होता तो ये चार्ज क्या होता, संभव होता। अब एक टाइप का इसमें और सवाल पूछता है, कई बार पूछेगा कि बताइए हम जो है किसी वस्तु पर 5000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो बताओ मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा। तो 5000 एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस हो गया, मतलब बाहर से ला के रख दिया, तो इसमें शुरुआत में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन तो रहेगा ही, क्योंकि ये किसी भी वस्तु पर जितना प्रोटॉन होता उतने इलेक्ट्रॉन होता, अगर न्यूट्रल है तो। अब बाहर से अगर 5000 इलेक्ट्रॉन ला दिया तो क्यू इक्वल टू एन, एन का वैल्यू 5000 और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹। देखो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बाहर से ला के रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 × 5 और 10⁻¹⁹ में से 3 चला जाएगा, तो −16 कूलम। अच्छा ये हुआ तो आवेश का परिमाण इतना हो जाएगा, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज क्या हुआ, तो निगेटिव। हम पहले ही बता दिए थे कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो निगेटिव चार्ज, अगर कहीं डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मान लो किसी वस्तु पर बोलेगा कि 1000 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है इसका मतलब 1000 × 1.6 होता है ना, तो 1000 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो एन का वैल्यू 1000 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो जितना आएगा अगर कम है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए तो वहाँ निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीके का सवाल आता है जो आप लोग अब खुद से बना लेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक हो गया तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। हाँ कई बार पूछ देगा चार्ज का वैल्यू दे देगा कि −3 कूलम चार्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कम है या कितनी अधिक है, तो ऑब्वियस नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा, आ होगी कितनी, तो क्यू इक्वल टू एन से हम लोग एन का वैल्यू निकाल लेंगे कितनी अधिक या कितनी कम। इस हिसाब से मेरे ख्याल से अब इससे रिलेटेड सारा सवाल बन जाएगा। कई बार इसी सवाल को और बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में पूछेगा तो बोल देगा आपको 130 ग्राम कॉपर है, इसमें 0.1% इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बताओ कितने इस पे आवेश आएगा। 0.1% डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो 130 ग्राम कॉपर को तुम पहले मोल में निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना कम कर देना मतलब इतना इलेक्ट्रॉन कम आ जाएगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन संख्या आ जाएगा, तय नहीं करके हम लोग उसका आवेश निकाल सकते हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आज पहला क्लास था, थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, और जितना पढ़े हैं इसको हम लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे, चूँकि नोट नहीं रहेगा तो सब भूल जाएंगे। ठीक है।